चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 के लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से 11 से करेंगे। 11 क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है। D1 निकालना है। D1 क्या होगा? A2 माइनस A स्क्वायर माइनस A, A स्क्वायर माइनस A। इसमें क्या हो जाएगा? A कॉमन हो गया दोनों में, A यहाँ बचा, A यहाँ बचा माइनस वन। ठीक है, बस अब सॉल्व नहीं होगा। सेकेंड D2 निकालेंगे, A3 माइनस A स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा? A स्क्वायर, यहाँ बचा A माइनस वन। D3 क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3, तो A3 कॉमन आ गया, तो आया A-1। यहाँ देखिए तीनों इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल है पर ये A2 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? D1 नॉट इक्वल D2। ठीक है, D3 भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखी आपकी जैसी इच्छा, पर दो अगर इक्वल नहीं है तो फिर थर्ड की जरूरत नहीं। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन D1 = √8 - 2। ठीक है, √8 को हम और क्या लिख सकते हैं? देखिए 8 का यदि हम रूट निकालें तो उसके लिए 2 2 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। इसको किस तरह से लिखते हैं हम? इसको ये जो 2 2 है, ये √8 हमने निकाला है ना, तो √8 = क्या हो जाएगा? ये 2 2 √2 बाहर आ जाएंगे रूट के, और ये जो सिंगल बचता है ये अंदर, तो 2 √2 - √2 = क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं √18 - √8 का। √8 का तो हमें निकाल के आता है 2 √2। 18 का निकालेंगे क्या आ जाएगा? 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये जो दोनों है ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये जो सिंगल बचता है ये रूट, आप लोग को अच्छे से बता हुआ ये, फिर भी मैं क्लियर समझा रही हूँ, जो सिंगल बचेगा वो रूट के अंदर, मतलब जो पेयर है वो हमेशा रूट से बाहर हो जाता है, क्योंकि √3 √3 = 3 होता है, तो ये √3 √3 = 3 हो गया। 3 √2 - 8 का हम निकाल चुके हैं 2 √2, इसको माइनस किया तो आया 2 √2, 3 में से 2 - 1 तो बचा 1। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट कर लेते हैं √32 - √18। 32 का भी निकाल लेते हैं,
ये आ गया 72। थर्ड वाला मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। सेवेंथ टर्म, इसका सिक्स टर्म सेवेंथ टर्म यहाँ ले रहे हैं, क्या लेंगे हम 72, रूट 72 आया, ठीक है, रूट 72 प्लस रूट 2, इसको भी हम चेंज कर ले, रूट 72 मीन्स 6 रूट 2, यहाँ पर हमने इसको चेंज करके रूट 72 लिखा है, तो 6 रूट 2 प्लस रूट 2, तब तो प्लस करने पर ही ना, तो 6 और 1 7 रूट 2, 7 रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 7 इंटू 7 इंटू 2, इसको क्यों कर रहे हैं रूट के अंदर, समझ में आ रहा है, 7 रूट 7 इंटू रूट 7 इज इक्वल टू 7 होता है, तो हमने इसको लिख दिया रूट 7 इंटू रूट 7, 7 की जगह, ठीक है। तब क्या आ गया 98, ठीक है। तो ये तीन टर्म आ गया, क्या आ गया, रूट 50, रूट 72 और रूट 92, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं,
एपी फॉर्म निकालना। अब करेंगे हम 15 क्वेश्चन, लास्ट है। ठीक है, ये रहा थीटा।